तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आया हूँ बिहार शरीफ में और एक दुकान को दिखाने वाले हैं। बिल्कुल नया आउटलेट है लेकिन लोग इसके दीवाने हो गए हैं। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कैसे बनता है, कहाँ से ख़रीदते हैं, कौन कौन से मसाले का यूज़ करते हैं और क्या टेक्निक से बनाते हैं कि लोग इतने दीवाने हो गए इस मटन चावल के। थोड़ा लोगों से बात भी करेंगे, हम भी खाएंगे और बताएंगे कि आखिर इतना पॉपुलर ये दुकान क्यों हो रहा है जिसके कारण से लोग जो यहाँ पे दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं मटन और चावल। तो अगर दुकान के एड्रेस की और नाम की बात की जाए तो यहाँ दी जाएगा आपको मांस भात और एड्रेस है नियर मॉडर्न एक्सरे कचहरी बिहार शरीफ। फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो हम चलते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर और दिखाते हैं कि अंदर में कैसा आपको मिलेगा अरेंजमेंट और कैसा मिलेगा आपको फूड। तो जैसे आप आएंगे नीचे ना, आपको दिखेगा ऐसा एंट्रेंस है जहाँ पे लिखा मिलेगा आपको मांस भात द टेस्ट ऑफ देसी खस्सी। तो आइए दिखाते हैं, अंदर आइएगा तो आपको दिखेगा ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पे लोग बैठ करके आराम से जो है अपने फूड को, मटन को, चावल को और रोटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं इन लोगों से और पूछते हैं कि यहाँ का फीडबैक कैसा है। उससे पहले दिखाते हैं आपको कि मटन जो है वो बनता कैसे है। गाइस यहाँ देखिए शुरुआत हो चुका है बनने का अपना मटन और उसके लिए यहाँ पे भैया जो है ये 5 किलो के आसपास जो पूरा प्याज कट रहे हैं। और कितना बनेगा मटन आज? 7 किलो बनेगा। 7 किलो, तो 7 किलो के आसपास जो मटन बनेगा उसके लिए यहाँ पे 5 किलो के आसपास प्याज काट रहे हैं। और फिर सब कुछ कैसे करते हैं सब कुछ दिखाते हैं आपको हम। अभी लाल मिर्च डाल रहे हैं, मसाला पीसेंगे। ये आएगा लाल मिर्च, ये है लहसुन। लाल मिर्च और लहसुन को पूरा पीसेंगे, उसके बाद फिर जाएगा इसके अंदर में गोलकी और आपका जीरा। इसमें क्या है कागज के अंदर में? ये फोरन के लिए। अच्छा, ये फोरन के लिए है। तैयार हो गया। तो ये हो गया रेडी आपका लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट। हो जाएगा इसके अंदर में गोलकी और जीरा। तो यहाँ पे आ गया जीरा और गोलकी। हल्का सा ऐड करेंगे पानी इसके अंदर में और इसका बनेगा पेस्ट। इलायची है और छोटा इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाला हुआ, इसको डाल दिए मिक्सी में, थोड़ा पानी देकर के पेस्ट बनाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं बिहार शरीफ के मोस्ट एक्सपेंसिव मटन शॉप पर जिसका नाम है सौदागर मीट वाले। और कहते हैं कि बिहार शरीफ में एक लौता दुकान है जहाँ पे आपको सबसे महंगा मटन मिलता है और इसी दुकान से जाता है हमारे यहाँ मांस भात में मटन। तो हम अभी लेके चलते हैं। तो गाइस आप देखिए, अब बारी है मटन को धोने का। यहाँ पे देखिए पूरा मटन जो आ चुका है और इसको बड़े अच्छे से धोएंगे। ये एक बार चेक कीजिए मटन का पीस, देखिए ये पूरा शानदार सा पीस है। और इसको धोएंगे और साफ करेंगे अच्छे तरीके से। और फिर कैसे बनाते हैं मटन को, कौन कौन मसाले का यूज़ करते हैं सब कुछ आपको दिखाते हैं भैया। अब हल्दी डाल रहे हैं। अच्छा, पहले ही डालते हैं हल्दी इसमें? नहीं, हाँ फिलहाल जो है यहाँ पे मटन को और हल्दी को पूरा मिला के पूरा मैरिनेट करेंगे और उसके बाद फिर क्या करते हैं सब कुछ दिखाते हैं आपको। चढ़ गया, गर्म होने के बाद में प्योर सरसों का तेल इसमें डालते हैं हम। तो यहाँ आ गया प्योर सरसों का तेल। तेल कितना होगा ये वाला? किलो में 100 ग्राम का हिसाब से डालते हैं। अच्छा, तो मैं 5 किलो 6 किलो है तो 600 ग्राम 600 ग्राम 600 ग्राम का तेल यहाँ पे आ गया है। इसमें आ गया तेजपत्ता। अब क्या क्या इसमें क्या क्या है भैया? इसके बाद में लाल मिर्च डाले। ठीक है, आ गया लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। इसके बाद में फौरन डाले, अदरक डाल दिए, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। कब तक फ्राई कीजिएगा इसको आप? इसको खड़ कर करके और प्याज डाल देंगे। तो पहले खड़ कीजिएगा इसको, मतलब पूरा 2-4 मिनट इसको उसमें फ्राई करेंगे। फ्राई करने का फिर उसमें जाएगा प्याज। तो ये आ गया 5 किलो के आसपास पूरा प्याज है। अब सबको डाल दिए हैं और अच्छे से पूरा भूनेंगे मसाले को और पूरा प्याज को, क्योंकि धीमे धीमे आज पे इसको गलाते रहेंगे। प्याज गल गया, इसके बाद इसमें मटन को डाल दिए। तो ये देखिए पूरा मटन जो है चला गया इसके अंदर, जिसको मैरिनेट कर देते हैं हल्दी के साथ में। तो मैं लगभग आधे घंटे के आसपास पूरा फ्राई कीजिएगा ना इसको भी। वाह, तो आधे घंटे के आसपास पूरा मटन को फ्राई किए थे। अब जो है वो जा रहा मसाला इसके अंदर में। ये देखिए पूरा जो है मसाला वो चला गया इस मटन के अंदर में। अब पूरे मसाले को और मटन को और प्याज को अच्छे से भूनते रहेंगे और फिर क्या रंगत निकलता है और स्वाद कैसा होता है वो सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट पूरा फ्राई किया है मसाले को और मटन को। अगर कलर चेक कीजिए आप, वाह जी वाह, क्या शानदार सा खुशबू निकल के इसके अंदर से आ रहा है। और मटन का पूरा पीस जो है ना वो लटपट हो गया है ग्रेवी के अंदर में। तो मतलब मसाला पूरा भुजा चुका है। भुजा चुका है सर, अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर। खाली नमक डाल के डबका के उतार लेना बस। अब जाएगा इसके अंदर में नमक, जा रहा है नमक आ रहा है। मतलब पूरा का पूरा मटन जो है बन चुका है। 2 घंटा लगा पूरा मटन पकने में, भुनने में। और यहाँ पे स्वाद जो है ना भाई साहब और खुशबू जो है ना वो बहुत बढ़िया निकलने वाला है। एक बार दिखाते हैं वो ग्रेवी, देखिए ये देखिए आप इस तरीके से पूरा ग्रेवी हो गया है एकदम लटपट सा। अब पानी डाल रहे हैं। तो अब आएगा इसके अंदर में पानी। चलिए, तो अब मटन जो है 5-7 मिनट को और पकाएंगे, उसके बाद
पानी खोल जाएगा, हो जाएगा, पानी खोल जाएगा, मटन बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए कुछ कस्टमर जो एंजॉय कर रहे हैं अपने मटन चावल को, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ स्वाद जो वो कैसा लगा। खुशबू कुमारी, टेस्ट एकदम घर वाला टेस्ट मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा टेस्टी बना हुआ है और इस एरिया में इतना टेस्टी मटन अभी तक तो मैं नहीं खाई हूँ। तो आप बनाती हो घर में अपने मटन? आप बनाती होंगी? हाँ। ऐसा बनता है मटन? नहीं, इसका टेस्ट डिफरेंट है, इसका टेस्ट डिफरेंट है, घर से भी अच्छा बना हुआ है, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा टेस्ट है। खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और स्पाइसेस का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, एकदम इंडियन टेस्ट, बहुत ही एकदम एरोमा इसका इतना अच्छा है कि लोग सूंघ कर ही बस बोलेंगे भाई मुझे खाना है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस। सच में ऐसा है? बिल्कुल परफेक्ट, ग्रेवी का कंसिस्टेंसी, पीसेस, साइज, हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि यहाँ पे हाइजीन जो बहुत बड़ा इशू होता है मेरे लिए, तो सब कुछ है, हाइजीन है, टेस्ट अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है और प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, सो यस। तो लोगों को रिकमेंड कीजिएगा यहाँ पे आना। ऑब्वियसली मैं तो रिकमेंड करूँगी और मैं खुद बार बार आऊँगी। फर्स्ट टाइम खाना खा रही है आप यहाँ पे? हाँ, क्योंकि ये रिसेंटली ओपन हुआ है ना, तो मैं तो अभी फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। फर्स्ट टाइम खाना खाया, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल बिल्कुल, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस प्लेस। बहुत लग रहा है जैसे घर के बना हुआ खा रहे हैं, अपना हाथ से बनाते हैं, इतना टेस्टी है। मटन नहीं खाए थे होटल में? नहीं खाए थे होटल में? होटल में, होटल में खाए हैं, बना के खाए हैं, घर में बनाए हैं, गाँव में खाए, होटल में इतना टेस्टी नहीं खाए। लग रहा है ना कि एकदम सला रुक रुक कर रहा है, रुक रुक कर रहा है। तो मतलब ये देखिए कि एक हाथ से मटन जो है तोड़ करके आराम से खा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप इंजॉय कीजिए मटन चावल को अपने, पूरा इंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लगवाते हैं अपना प्लेट और करते हैं टेस्ट, देखते हैं कि यहाँ का मटन जो है ना वो स्वाद कैसा है उसका। देख रहे हैं इधर, देखिए ना, लग रहा है ना, हाँ, जिसको फाड़िएगा ना वही से हम खट से उड़ जाता है। कुछ लगवे ना करता, जोरे नहीं लगाना है, ना दांत में लगाना है जोर, ना हाथ में लगाना है जोर, दोनों में कोई जोरे नहीं है, जोर नहीं है। खाइए। वाह, मटन के हम बहुत प्रेमी आदमी हैं। हाँ, मटन खाली हम कहाँ कहाँ चल जाते हैं, जहाँ सुनते हैं कि फला जगह मटन बहुत टेस्टी मिलता है, हम पहुँच जाते हैं, अब वहाँ जाके लगता है कि सदा यहाँ का जो मटन है ना, बिहार शरीफ में बहुत दुकान है। तो नहीं नहीं, आप नहीं, आप हम समझ गए, आप खाइए और स्वाद इतना बेहतरीन है ना, तो भैया रुक नहीं रहे हैं बोलने से कि स्वाद इसका कितना अच्छा है। तो हम लगवाते हैं अपना प्लेट, करते हैं टेस्ट हम भी और बताते हैं कि यहाँ का स्वाद जो वो कैसा मिलेगा आपको। हाँ जी, उधर हम गए थे लोगों से फीडबैक लेने के लिए और इधर देखिए अपना मटन जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गया और 7 किलो में से लगभग लगभग 3 किलो जो है वो ख़त्म हो चुका है। और एक बार हम दिखाते हैं आपको निकाल के पीस, ये देखिए बिल्कुल जो है गर्मा गर्म पीस है, चाप है, लर है, चबीदार मटन है। और ये देखिए मतलब हर 5 मिनट पे जो है इस तरीके से आपको आ रहा है ढोंगा और ये भर करके जा रहा है उधर, मतलब हर 5 मिनट थोड़ा ग्रेवी दे आपको। तो ये देखिए ग्रेवी और मटन का पीस है, हर 5 मिनट पे ऐसा ढोंगा आता है और भर गया था। और एक बार में कहना तो ये कम से कम नहीं भी तो 300-400 ग्राम के आसपास जा रहा है और हर 5 मिनट में आ रहा है। देख रहे हैं फिर से पूरा मटन जो है अपना खाली हो गया है। और हम दिखाते हैं आपको यहाँ पे चुस्ता भी निकल चुका है, चर्बी भी निकल चुका है, लड़ भी निकल चुका है और बहुत कम पीसेस है। तो फटाफट हम चलते हैं और करते हैं टेस्ट, ऐसा ना हो कि ये भी जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये सेकंड लॉट है और लोग डिमांड खूब कर रहे हैं। चलते हैं फटाफट और करते हैं हम भी टेस्ट और देखते हैं कि स्वाद जो वो कैसा मिलेगा। आइए, तो अब बारी है टेस्ट करने का। यहाँ का मटन बहुत मशक्क़त करने के बाद भाई साहब हमारे पास आ गया है मटन चावल और रोटी। करते हैं पहले टेस्ट हम इस चावल को मटन के साथ में। एक बार देख रहे हैं, ये देखिए पीस चेक कीजिए भाई साहब, मतलब ना बिल्कुल बस ये छूना है। देखिए एक चीज़ देखिए, ये अगर हम झटका देना इसको इस तरह से करके, बस एक उंगली से ऐसे करें तो ये आपका हड्डी अलग और पूरा का पूरा जो है आपका मांस अलग हो गया और हड्डी अलग हो गया। और ये काफ़ी हेवी है, इसमें से जादू निकलने वाला है, काफ़ी हेवी। तो यहाँ पर एक बार दिखाते हैं कैसा मटन पका हुआ है, हल्का छूना है और ये आपको मटन टूट के बिल्कुल जो है वो अलग हो गया। काफ़ी अच्छा मटन है। और ये कहते हैं भैया कि जाते हैं उस जगह पे खुद से लेकर के आते हैं, 7 से 8 किलो खस्सी होता है और बिहार शरीफ का मोस्ट एक्सपेंसिव वो शॉप है, क्योंकि उनका हर प्राइस जो है ना वो महंगा मिलता है, वहाँ पे मटन जो है बिल्कुल महंगा मिलता है। तो ये हमारा चम्मच की जगह इसको यूज़ करते हैं थोड़ा सा, और रोगन और ग्रेवी को लेते हैं अपना थोड़ा सा प्लेट पर। वाह जी वाह, क्या बात है। और करते हैं पहले टेस्ट हम चावल को और ग्रेवी को इस तरीके से, और साथ में लेते हैं हम कुछ मटन का पीस। तो ये आपको मटन साथ में चावल, भैया
फ्लेवर आपको बिल्कुल स्ट्रांग है, हल्का तीखा है। मसाले का यूज़ जो किया था ना वो लग रहा था देखने में कि मसाला हल्का होगा, लेकिन नहीं भाई साहब, जो मसाला यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी मसाला है, इसी कारण से टेस्ट बहुत शानदार निकल कर के आ रहा है। और एक बार दिखाते हैं मटन आपको हम, ये देखिए बिल्कुल छूना है आपको, और छूते ही एक हाथ से मटन टूट के अलग, वाह। तो अगर आप क्रॉस कर रहे हैं राजगीर से पटना की तरफ या पटना से राजगीर की तरफ ना, तो आपके पास ये शानदार सा ऑप्शन है। दुकान का नाम बहुत यूनिक है, मांस भात, यहाँ पे आइए। एड्रेस दिखा दिए, कैसे बनता है वो दिखा दिए, प्राइस दिखा दिए, लोगों से बात करके उनका फीडबैक दिखा दिए आपको, तो अब वेट किस बात का, आइए यहाँ पे और चीज़ों को टेस्ट कीजिए। तो अभी हम ख़त्म करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले तो पूरा हो गया खाली, तो हम ख़त्म करते हैं इस पूरे प्लेट को और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए घूमिए फिरिए, आइए खाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय।